बंदूक की गोली और बिट्टू की बोली एक जैसी है, एक बार निकल गई ना तो फिर पीछे नहीं हटती। इब तो ताऊजी को लेकर ही वापस लौटूंगा। टाटा। भाई साहब, उस बावड़ी में बिट्टू का फोन था ना? हाँ, बिट्टू का फोन था। बोला था कि ताऊजी ने लेकर आओगा। क्या? इब ताऊ ने कहाँ से लाएंगे भाई साहब? ताऊ तो बाबूजी के पास पहुंच गए। मेरा है। चल जो भी देख लेते हैं, क्यों कर लाओगा ताऊ ने? सबके सामने है। बिट्टू। अरे किस्मत वाली है छोरी, जो बड़े ठाकुर राजी हो गए, लाडली लागे हैं उनकी। हाँ सच, बड़ी किस्मत वाली है ये छोरी। देख इतनी सुंदर और प्यारी लग रही से, है ना? भगवान करे किसी की बुरी नजर न लगे इसे। यो फूल कुमारी मुन्नी ने दी देकार के क्यों देख रही है? जरा पूछ तो मांजरा के है। समदन जी, कैसे हो आप? बस वही सारे चूल्हा फूकना, घर लिपना, यो सारे मारे काम से। बाकी तो सभी ठीक है। मने कुछ काम है, मैं भी आई। पर आप आराम से बैठिए, शरबत पीजिए ना। और हाँ, शरबत में वो चीनी या पानी कुछ भी कम हो ना मने बताना, मैं दोबारा बना कर ले आऊंगी। आई मैं थोड़ी देर में आई। आंटी जी सुनिए प्लीज। आंटी जी वो आपसे ठीक से मिल नहीं पाई तो वो पहले आशीर्वाद ले लेती हूँ। आपने आशीर्वाद नहीं दिया, आप नाराज हैं मुझसे? ना छोरी, मैं क्यों तारे ते नाराज होने लाग रही? तो फिर चलिए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मन ते निकला करे छोरी, और मारे मन में तारे लिए दुआओं के अलावा और कुछ ना है। मैं तो बस यो ही दुआ करती हूँ कि तारा ब्याह भी जल्दी से तय हो जाए, तन्ने भी एक अच्छा सा घर मिले अपनी बहन जुकर। तारा सासरा तारे मैके जितना अमीर होवे, तन्ने सारे का प्यार नसीब होवे, बस और के। लेकिन आंटी जी, प्यार और आशीर्वाद का अमीरी गरीबी से क्या लेना देना? कर दीना ने दानों वाली बात। अरे छोरी, पैसा और हैसियत में बहुत वजन हो गया है। हाँ, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ जितने की जरूरत हो उतने ही मायने रखते हैं। अच्छा, तो तू यो कहना चाहे है कि कम पैसा और कम हैसियत के सासरे में तू निभा लेगी? हाँ मुन्नी बिटिया, तू तो सोने की थाली में चांदी के चम्मच से खाना खाने वाली राजकुमारी है। और वो देख देख
यो है छोटे घराने की छोटी सी रसोई, जड़े ना तो कोई मशीन होवे ना कोई मिक्सी ना ही कोई नौकर चाकर, सारे काम खुद ही करने पड़े हैं। और तन्ने तो आदत है ना वो कमरा ठंडा करके सोन की, वो क्या कहवे उसने एसी वो चढ़ा के सोती है ना, पंखे के नीचे तन्ने नींद नहीं आवेगी। असली जिंदगी के होवे है किसी होवे है इसका तो तंडे बेरा ही ना है कोई ना, यो सब थारी खातिर ना है। थारा ब्याह तो थारे भाइयों की पसंद से होगा ऊंचे घराने में है? आखिर होना तो वही है जो भगवान ने सोच रखा है, और अगर मेरी तकदीर में मेरे भाइयों की हैसियत से नीचे घर में जाना लिखा है तो उसे भी कोई बदल नहीं पाएगा ना, और यही मैंने अपने दिल को भी समझा लिया है। वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और ये मैं अपने दिल को समझा चुकी हूँ। मुझे ज्योति के पास भी जाना है तो मैं चलती हूँ। क्या बोल के हमारे सख पर मोहर लगा दी है मुन्नी तन्ने। ये वजह अगर बिट्टू ने तन्ने मना लिया या फिर आग दोनों तरफा बराबर लग गई तो सब कुछ भस्म हो जाना है सब कुछ। नहीं, वो मुन्नी और बिट्टू की प्रेम कहानी शुरू इंडी होने दूंगी, नहीं होने दूंगी शुरू। शुरू करें? शुरू क्या शुरू करना है? अरे दीदी, मैं तो सगाई की रस्म की बात कर रही थी, आपने क्या लगा? बिट्टू अभी तक आया क्यों नहीं? बिट्टू बिट्टू, मुन्नी का फोन। बिट्टू कहाँ हो तुम? सगाई शुरू होने वाली है। हाय हाय, भगवान मारे पिता मेहरबान हो गया के सगाई छोड़ के मन ने मिस कर रही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दूल्हे के दोस्त हो ना तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए लड़की वालों का स्वागत करने के लिए? अच्छा ऐसा के? चल ठीक है, इस बार दूल्हे का दोस्त बनकर खुश रह लूंगा, अगली बार खुद दूल्हा बनकर आऊंगा मैं। बस बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जल्दी आओ अब। बकवास तो मैं कतई ना करूं मिस गलतफहमी, इन तीन सांड भाइयों के बीच से तन्ने लेकर ही आऊंगा मैं, भी डोली में बैठा के। अब ताऊ मिल जाए बस। लो सगाई तो शुरू हो गई, अपना बिट्टू कहाँ है जिसने ये जोड़ी मिलाई है? जी वो जरा कोई जरूरी काम थे बैर गया है, बस आंदा ही होगा, और फिर यो रसम तो बड़ों की है, शुरू करें। Thank you.
कैसी सुखी सुखी सगाई हो रही है, कुछ फीका फीका ना लग रहा? हाँ हाँ, कुछ नाच गाना हो जाए दीदी, खुशी को मौका है दीदी। ओ मास्टर जी, हाँ। जरा सारे मर्दाने बैर लेके जाओ। ओ, अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब आप भी, मान्या आज का दिन आप ही का है, पर ये भी वो वक्त जो है ना वो जनानिया का से। चौधरी साहब चलिए हम बैठक में चलते। मुन्नी, मुन्नी बिट्टू कहाँ गया, कहीं देखी नहीं रहा, देखना वो सब मिस कर देगा। वही तो, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसे कॉल भी किया था, लेकिन तू रुक मैं भी पूछती हूँ। अरे मिस गर्लफ्रेंड, इतना भी मिस ना कर मन्ने, उड़ के आ जाऊंगा तेरे पास। मैं मिस नहीं कर रही हूँ, तुमने सगाई मिस कर दी है, और मैंने इसलिए फोन किया था क्योंकि ज्योति मुझसे पूछ रही है कि तुम हो कहाँ। हाँ ठीक है, कोई भी बहाने बना ले, सब समझता हूँ मैं। अरे ज्योति ने बोल दे जल्दी आ रहा हूँ, तब तक डॉक्टर को देख के मन भर ले वो। सविता जी जरा इधर आइए, यो देखिए आपकी मुन्नी ने, नहीं मतलब तू तो दुल्हन की इकलौती बहन है ना, तारा काम है लुगाइयां ने नाच गाना शुरू कराना, और यो इत फोन पे लाग रही है, छोड़ फोन ने, चल आप भी कुछ बोलिए ना। हाँ मुन्नी, कुछ नाच गाना। वैसे नाचना आता भी है कि नहीं, मतलब इतने नाजों से पाला आप लोगों ने इसने, तो कितना लचक वचक ना आ जाए। ये फैसला आप ही कर लीजिएगा आंटी जी, मैं कोशिश करती हूँ। यार बिट्टू, ये ताऊजी से कौन सी जगह चले गए यार, मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अंकल, अंकल आपने हमारे ताऊजी को कहीं देखा है क्या? अरे बाबड़ी पूछ, के बोल रहा है, जरा साफ साफ बोल। अरे ताऊ, ये फोटो में जो बुजुर्ग है इन्हें कहीं देखा आपने? ना भाई मैंने नहीं देखा। बिट्टू, बिट्टू मिल गया ताऊ। हाँ ये देख उनका फोन आया। अरे ताऊ कहाँ हो, पूरा हरियाणा छाटते छाटते आधे हो गए हम। आश अब कौन बोल रहे हो? इंस्पेक्टर सिंह बात कर रहा हूँ, एक लाश मिली है हमें जिसके पास ये फोन था, आप कौन हो?
थानेदार से बात हो गई है, बिट्टू तक ताऊ की खबर पहुंचा गई। शाबाश, अब देखे तू वो बिट्टू खुद आकर ये शादी रोकेगा। भाई सब कहे ना, थारी बुद्धि का जवाब ही नहीं है, पर हमारी जाट बुद्धि में यो बात नहीं सेट हो रही से कि इन सब के लिए ताऊ का टेटू दबाने की के तेरी जाट बुद्धि नहीं, गोपर बुद्धि बोल। जब किसी परिवार में कोई मौत हो जाती है तो सारे के सारे शुभ कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं। आई बात समझ में? बस एक बार इस बिट्टू ने खबर मिल जाओ और वो ये बात आकर यहाँ बता देगा तो ये शादी खुद ब खुद रुक जाएगी और ठीक वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा था। नहीं मतलब सिर्फ इस बात के लिए ताऊ ने ठा दिया? अरे इसी की तीसी ताऊ की, तू क्यों बोल रहा है? अरे मैंने अपने पिताजी के अंतिम समय में मुन्नी के सर पर यूं हाथ धर के उन्हें वचन दिया था, भूल गया तू? पर मुन्नी के लिए हमारा प्यार नकली ना है, पर मुन्नी की खुशियों के बीच में जो भी आने की कोशिश करेगा उसका इस तरह का कार्यक्रम तो होगा, मैंने कोई शर्म नहीं आऊंगी इसमें। ताऊ जी का क्या है, बचा गया था परिवार में एक बिटिया ही तो थी ज्योति, बोल दिया ना ताऊ को कि ज्योति का ख्याल रखेंगे, बाकी ताऊ का हो लिया था काम। कितना समझाया था, प्यार तो समझाया, गुस्से तो समझाया, पर वो था सुनने के लिए तैयार नहीं। उसका ओके टाटा बाय बाय करना बहुत जरूरी हो गया था। खैर वो सब छोड़, इस बारे में और कोई बात ना होगी, ठीक है? जी भाई साहब। और देख, मुन्नी के लिए ठाया हमारा हर कदम एकदम जायज है। जी भाई साहब। खोलो। फोन में थारी बड़ी सारी मिस कॉल देखी से तो लगा कि भाई तो ये जानकार होगा इनका, इसीलिए सबसे पहले थारे पास में फोन किया। ये लाश हमें पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के पास में मिली है, काफी चोटें आई है, ऐसा लगता है कि चाकू से गोद कर और मरने के लिए छोड़ दिया इन्हें। कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता, पर पता लगाने की कोशिश चल रही है। पर तुम कौन हो इनके के रिश्ता? बेटा ही समझ लो। इंस्पेक्टर साहब, आप पेपर तैयार करवाओ, इनकी बॉडी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। चलो। ना है थारे साथ ये सब किसने किया है, जाने जाने में हमारे से अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना, और ज्योति की फिक्र मत करना, मैं हूं, उसकी जिंदगी सेट कर दूंगा मैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.